और इतना शक्तिशाली पद है दरोगा। तुमने किससे राजा महाराजाओं के सुने, कलेक्टर के सुने, दरोगा के सुने? दरोगा के भी बड़े किस्से। जिस मुकदमे को समझाने में तुमको 20 साल लगा, वो 20 साल पहले वो दरोगा कह रहा था 5,000 दे दो यही निपटा दूं। हम तो अपने लड़के को दरोगा ही बनाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में जो सबसे कीमती पद है दरोगा। अब निकल लेना यहां से, अब दोबारा लौट के मत आना। जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे किसी की इस क्लास में प्रेसिडेंट बनने की इच्छा नहीं, जबकि देश का प्रथम नागरिक है वो। अब कोई इस देश में राष्ट्रपति जबरदस्ती बनाया जाता है, कोई बनना नहीं चाहता। और वो आदमी जो बुजुर्ग हो चुका होता है, जिसको राजनीति से निकालना होता है कि भैया बहुत बहुत हो गया, प्रणब मुखर्जी भैया बहुत हो गया, बुलाओ इनको प्रेसिडेंट। अब निकल लेना यहां से, अब दोबारा लौट के मत आना इधर। इस देश में कोई प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहता, क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट के कोई किस्से ही नहीं सुने। अगर तुमने प्रेसिडेंट के किस्से सुने होते तो तुम प्रेसिडेंट बनना चाहते। तुमने किस्से राजा महाराजाओं के सुने, कलेक्टर के सुने, दरोगा के सुने? दरोगा के भी बड़े किस्से हैं। एक दादाजी एक मुकदमा जीते तो जज को मिठाई खिलाने गए, तो बोले दादा, जज ने दादाजी से कहा कि दादाजी ऐसा करना, अपने लड़के को जज बनाना। अरे बोले क्या बात कर रहे हो साहब, जिस मुकदमे को समझाने में तुमको 20 साल लगा, वो 20 साल पहले वो दरोगा कह रहा था 5,000 दे दो यही निपटा दूं। हम तो अपने लड़के को दरोगा ही बनाएंगे। कहा 20 साल में तुमने फैसला सुनाया, तू वही कह रहा था हमसे कि बस यही निपटा दे खत्म। कहा जब ये केस हुआ था तभी उसने मुझसे कहा था 5,000 दे दो रफा दफा कर दें। ये मुकदमा यहां तक आता ही नहीं, और इतना शक्तिशाली पद है दरोगा। शक्तिशाली उच्च नहीं है, शक्तिशाली। आज भी पुलिस डिपार्टमेंट में जो सबसे कीमती पद है दरोगा। हमारे मित्र बताते हैं कि जब उनका आईपीएस में सिलेक्शन हो गया तो एसएचओ थे पहले, तो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को बताया कि हम तो एसपी हो गए, आईपीएस हो गए। बोले आईपीएस आईपीएस चाहे कोई हो गए, दरोगा की नौकरी मत छोड़ना। बोले हो तुम चाहे जो गए हो, लेकिन दरोगा की नौकरी मत छोड़ना। जितनी बड़ी चीजें हैं, जितनी उन बड़ी चीजों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा बुना गया है, जोड़ा गया है, जिससे व्यक्ति को उस चीज की आकांक्षा पैदा हो जाए। जैसे आज आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हो कि डीएम मतलब शहर का राजा। अब तो रील वगैरह में भी दिखाते हैं ना कि कलेक्टर की एंट्री, कलेक्टर का पावर, जो कि सही है। इस देश में तीन ही राजा हैं, एक पीएम, एक सीएम, एक डीएम। वो अपने शहर का राजा है, और तुम तीनों बन सकते हो। तुमने आसमान देखना छोड़ दिया ना, इसलिए तुम्हारे सपने छोटे हो गए। तुमने आसमान देखना छोड़ दिया। पहले हम गांव में रहते थे तो बाहर चारपाई लगती थी,
मच्छरदानी लगा के, तो जब लेटे तो सीधे आसमान दिखाई पड़ता था कि इसके ऊपर क्या है यार। अब लोग फ्लैटों में रहते हैं, छत दिखाई पड़ती। तुम जितनी दूर तक देखोगे ना, उतने बड़े सपने बनाओगे। तो इस दुनिया में हर बड़ी चीज से कुछ ना कुछ जोड़ दिया गया है। जय हिंद।